आज दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की आम आदमी सरकार में मंत्री आतिशी को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। 17 सितंबर को आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपनी जगह अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल के इस प्रस्ताव को आप विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे दिल्ली के लिए दुखद बताया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, आतिशी मार लेना सिर्फ डमी सीएम है, भगवान दिल्ली की रक्षा करे। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल के इन गंभीर आरोपों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि आतिशी आम आदमी पार्टी में इस वक्त एक बड़े कद की नेता हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद से पार्टी के तमाम कार्यभार उन्होंने संभाला। उनके पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय भी इस वक्त हैं, जो कि दिल्ली की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आकर पार्टी की बातें मुखर रूप से रखती हैं। और आपको एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, जब 15 अगस्त के दिन जब दिल्ली में झंडा फहराने की प्रथा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा होती है, अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने जेल से आतिशी का नाम ही नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया। तो इस वजह से आतिशी का कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। और जिस वक्त दिल्ली की सरकार को सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल की कमी खल रही थी, मनीष सिसोदिया की कमी खल रही थी, तो आतिशी हर मोर्चे पर आगे नजर आई थी। अब आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। केजरीवाल जो हैं, उन्होंने रविवार 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का अपना फैसला सुनाया था, घोषणा की थी कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। और उन्होंने तब कहा भी था कि अब वो तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे जब लोग उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे। आतिशी जो है वो पार्टी और दिल्ली की आप सरकार का बेहद अहम चेहरा है। वित्त विभाग की बात हो, शिक्षा और PW सहित कई विभागों का कार्यभार वो संभालती रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आगे जो भी नए अपडेट्स आएंगे, LG से मुलाकात हो या मुख्यमंत्री पद की शपथ, जो नई जानकारी आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए दिल अल्लन टॉप। शुक्रिया। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहार में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, भाई स्लो चला, भाई स्लो स्लो कर, स्लो कर भाई, रोकना रोकना रोकना, रुको रुको, पहले रुको, ये बैठा है इसको, 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। वो गया भाई, वो गया भाई, ये घास मूव कर रहा है।